हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मैं लक्ष्य गुलेर। तो गाइस, आ चुकी नई वीडियो लेकर। इस वाले वीडियो में भाई साहब क्या रैंडम के रिएक्शन रहने वाले। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, ये तीनों रैंडम रहते हैं। यहाँ पे रैंडम मैच में खेल रहा था और गाइस क्या रिएक्शन, काफी खतरनाक रिकॉर्ड होता है। और गाइस आपका भाई यहाँ पे क्या ही 1v4 की लाइन लगाने वाला है। 20+ किल्स चिकन होने वाले। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और भाई यहाँ पे लैंडिंग हो जाती है, मुझे एक ही मिलते। मैं पीछे देखता हूँ, कोई बंदा नहीं, सब बंदे ऊपर लैंडिंग करते। तभी भाई मुझे एक बंदा यहाँ पे लैंडिंग करते दिखता है डायरेक्ट से। और मैं इसके पास जाता हूँ, लेकिन ये वाला बंदा भाई फरार हो जाता है। लेकिन मेरा टीममेट पकड़ लेता है और कुछ बंदे रहते, चलो उनको पेलते। नंगे पंगे को मारने के चक्कर में मैं नीचे कूदता हूँ, उसकी तो मैंने पेटी बना दी। अब ये मुझे लगा कि बॉट रहेगा, लेकिन भाई बंदा निकलता है। इसको यहाँ पे नॉक एंड फिनिश करते, थोड़ी बहुत लूट किया। भाई लूट के नाम पे कुछ भी नहीं मिलते, ऊपर फायरिंग चली थी। जैसे पहुंचता हूँ भाई, सीन देखो क्या होता है। एक को तो मैं नॉक करता था, लेकिन एक जो भाई घर में बंदा रहता है वो मुझे नॉक करता है। अब यहाँ पे मैं अपने टीममेट को बुलाता हूँ, फटाफट से रिवाइव लेते हैं, फिर चलते हैं। भाई रिवेंज तो लेना होगा ना भाई। एक बंदे को नॉक करता, उसका भी किल नहीं मिलता। लो भाई साहब, यहाँ पे थोड़ी सी एचपी में इन बंदों को निपटाते हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करते हैं, इससे भाई लूट अच्छी खासी मिल जाती है। अब लूट करके भाई आगे चलते हैं। आगे फायरिंग हो रही थी और तभी कहीं साहब मैं आगे बढ़ ही रहा था, तभी एक बंदा रिकॉल होकर आता है। मैंने कहा भाई नीचे कूद ले, क्योंकि मेरे पास हीलिंग भी नहीं थी और मुझे फर्स्ट एड मिला था। मैंने कहा चलो अप्लाई करते हैं। फिर गाइस यहाँ पे ऊपर मुझे लगा कि एक दो बंदे रहने वाले हैं, तो भाई मैं यहाँ पे फटाफट प्रिपेयर हो जाता हूँ हीलिंग वीलिंग करके। मैंने कहा पहले इसको भाई ग्रेनेड से देंगे। और भाई साहब आपके भाई का क्या ग्रेनेड खतरनाक वाला जाता है। पहला तो ग्रेनेड भाई ऐसे ही चला जाता है, मैंने भाई मतलब अंदाजा फेंका था कि बंदा यहाँ पे नॉक हो जाएगा, शायद से बंदा डैमेज होता है। दूसरा वाला ग्रेनेड मैं भाई फेंक के मैंने यहाँ पे आईक्यू लगाई, मैं आगे जाता हूँ, बंदा आता है। और भाई साहब बूम होते हैं, मुझे पता था कि ये फायरिंग करने के लिए आगे आएगा, इस वजह से मैंने ग्रेनेड थोड़ी सी पीछे डाली थी। बंदा फायर करके जाता है और इसकी पीडी बन जाती है। अब भाई यहाँ पे दूर से एक बंदा मुझे फायर करता है, एक बंदा इसका लैंड करके नीचे चला जाता है। अब जिसको मैंने नॉक करा था उसकी तो पीटी बना दी। ये पीछे बंदे कब भाई रिकॉल होके आते हैं पता नहीं चलता है, यहाँ पे दाब के चले जाते हैं भाई। अब यहाँ पे इसकी भी पीटी बन गई, मेरे 5 किल हो चुके थे। मैंने कहा अभी भाई रश करना होगा, अभी तो भाई किल निकाल लें। अब नीचे से फुटस्टेप आ रहे थे, मैंने कहा चलो चलते हैं। हमारे अलावा अभी यहाँ पे 5 बंदे अलाइव थे, हम और नंबर 1 बचे हुए थे बस। Attack the mark. Awesome. Are you going to kill her anyway? Watch out. Watch out. Watch out. Agar mar elak me de shan shan bolona telaga.
और बस कूल गलत मां। लो भाई मेरे साथ एक बंदा बचा था जो कि नंबर वन था, वो भी उसकी भी पीटी बन गई। ये भाई बंदे स्कूल चले गए। अब यहाँ पे जो सामने बंदा रहता है वो कहीं यहाँ पे मेरे पे रश करता क्योंकि उसको पता था कि मैं लेट था और मेरा टीममेट उसने तुरंत फिनिश करा था। तो मैं फटाफट से ऊपर साइड जाता हूँ, वाला बंदा नीचे जंप करके भाई यहाँ पे देखो रोलर रोलर से ऊपर आता है। तो भाई देखो इस वाले बंदे से क्या ही फाइट होती है हमारी। और फुट को अंदर बे मगर ये मार से है नगर दी गेल मात्र आन बे मगर ग्लेशियर है तो 11-7 बे। भाई उस वाले बंदे को यहाँ पे फिनिश करके तुरंत से मैं नीचे आता हूँ और भाई यहाँ पे हीलिंग लगाओ। तो भाई यार मतलब क्या ही बताओ यार, बीजीएमआई थोड़ा सा दिक्कत करता है यार। हीलिंग लगाओ, दो बार लगाओ तब जाके एक हीलिंग लगती है यार। और उस बंदे को फिनिश करके हम इधर साइड आते, एक बंदे के फुट से मुझे ऊपर से आते हैं। Attack the mark. Awesome. Help. क्या जबरदस्त फाइट होती है। मुझे तो किल नहीं मिलता लेकिन मेरे टीममेट यहाँ पे पूरी एक स्क्वाड क्या गजब गघाते यार भाई। अब यहाँ मैं फटाफट से भाई लूट करके मैं ऊपर साइड आता हूँ। भाई ऊपर मुझे एक और बंदा स्पॉट हो जाता है और दूर बार हाउस से कोई बंदा मुझे फायरिंग कर रहा था मेरे पे। अब ऊपर एक नहीं दो नहीं तीन बंदे रहने वाले यहाँ पे, मतलब फायरिंग भी करता है। मैंने कहा रुको अभी। Watch out! I don't know what's happening. इसका एक बंदा तो भाई जेट पैक से भाई रिफो चक्कर हो जाता है और ये दूसरा वाला बंदा जो बचा रहता है आप फाइट लेता हमसे, इसकी पेटी बनाते हैं। अब भाई यहाँ पे सामने बान हाउस वाले बंदे की पारी थी। तो यहाँ पे मैं राइट से पूरा रोटेट करता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे पहुंचता हूँ एक बंदा मिनी में काल किया है यहाँ पे टहल रहता और एक बंदा तो बान हाउस के अंदर छिपके बैठा रहता है। भाई यहाँ मेरा टीममेट बोलता है कि ऐसे कौन खेलता है भाई जैसे तुम खेल रहे हो, नंबर वन बोलता है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे मेरा किल भी पूछता है कि ये बंदा कितना किल हुआ, मैंने भाई थोड़ा सा कम बताया इसको। अब यहाँ पे हम जैसे भाई निकलने की थी, यहाँ सामने मैंने तीन बंदों की तो पेटी बना दी। अब यहाँ से यहाँ पे निकलने की मैं ट्राई करता हूँ तभी मुझे नीचे से फुटस्टेप आते हैं भाई पैरों के निशान में। मैंने कहा चलो पहले इसको देखते, ये वाला बंदा तो छुप के बैठा ही था जिसमें इसी ने मुझे मतलब फायरिंग करा था स्टार्टिंग में ही। तो मैंने कहा इसकी पेटी बनाए कैसे, बिना बनाए कैसे जा सकते हैं। तो भाई चलो इसको पहले पकड़ते हैं। नॉक कर दिया
भाई नंबर चार तेरा कितना किल हुआ? नंबर चार कितना भाई? तो बहुत बंदे को मारा यार भाई, मैं तो भाई मेरा भी तो 8 किल हो गया यार। हमारा स्क्वाड में एक ही बंदा कम, ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप पे, ओ वहां पे यार कहाँ पे मारा? वो भाग गया भाई, इधर भाग गया। Watch out. नंबर 3 पड़ा। मेरा तो मार। Watch out. Mark the location. तेरे को बोल रहा हूँ नंबर 4 मत देना। अब इन बंदों की भाई लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट पता नहीं थी, ये बंदे गोले के ऊपर चढ़ के बैठे रहते भाई, यहाँ पे मुझे नॉक करते, बट कोई नहीं, मेरे पास सेल्फ रेस्क्यू किट था, यहाँ पे मैं इस्तेमाल करता हूँ उसको, और भाई यहाँ पे मैं कमांडो की तरह बिल्कुल, यहाँ पे देख लो मिशन में निकलता हूँ एकदम चुपके से बॉर्डर पार करके एकदम राइट में पहुँचता हूँ, और एक बंदे को यहाँ पे मैं नॉक कर, जैसे मैं फायरिंग देता हूँ वाला बंदा मुझे दिखता है, लेकिन मेरा टीममेट भाई उसको M24 चिपकाता है। फिर गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत और आगे क्लोज इन करता हूँ, ये पूरी स्क्वाड रहने वाली, तो भाई देखो इसकी कैसे पेटी बनाने वाले। और हाँ गाइस मैं आपको बताना भूल गया कि भाई मैं एम असिस्ट ऑफ करके खेलता हूँ, मेरा अनेबल नहीं रहता भाई, डिजेबल रहता है हमेशा, मेरा एम असिस्ट मैं हमेशा बंद करके खेलता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ कॉम्पिटेटिव होगी, तो भाई बहुत जल्दी कॉम्पिटेटिव की भी गेम प्लेज आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो भाई मैं एम असिस्ट ऑफ करके खेलता हूँ। बहुत से बंदे कन्फ्यूज रहते हैं, मैं पूछे भी है लेकिन मैं बता नहीं पाया, लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ। इधर मार्क करो भाई। अरे अरे क्या भाई, राइट मेरे पास। अरे यार मार करना था भाई, इधर से पास करेगा। आराम से आराम भैया, दुकान आता ना, दुकान आता चल कोई नहीं, इसमें कोई नहीं, यहाँ पे मेरे 20 किल कंफर्म हो जाते हैं, मेरे 20 किल पूरे हो जाते हैं। अब मैंने दूर से एक बंदे को नॉक करा, उसके पास ऑटो रिवाइविंग किट था, तो भाई जाहिर सी बात है कि वो रिवाइव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं फटाफट से यहाँ पे लेफ्ट साइड से रोटेट कर देता हूँ, ऐसा रोटेट कर देता हूँ कि वाला बंदा भाई मतलब रिवाइव होकर उठा भी होगा तो वो हीलिंग ही लगा रहा होगा, और यहाँ पे मैं जैसे पहुँचता हूँ बंदा हीलिंग अप्लाई कर रहा था। चलो इसकी पेटी बनाते हैं,
लो भाई साहब यहाँ पे इसकी पीटी बन गई। अब भाई मतलब लास्ट में एक बंदा बच चुका था, क्योंकि यहाँ पे मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, अगर ढूंढता तो बहुत ही टाइम लग जाता। यहाँ मैं जैसे भाई मतलब कि अपना ये केस इस्तेमाल करता हूँ उड़ने के लिए जेट पैड, तभी यहाँ पर बंदा फायरिंग करता है राइट साइड से। मैंने कहा भाई चलो इसकी भी लोकेशन मिल गई, चलो यहाँ पे इसको भी पेलते हैं। यहाँ मेरा टीममेट एक हिट मार के यहाँ पे ऑटो मार्क भी दे देता है कि यहाँ पे बंदा रहने वाला है। फटाफट चलते, मेरा टीममेट मना कर रहा था कि मत मारना, लेकिन भाई कहाँ रुकने वाले हम। तो गाइस जी यहाँ पे फाइनली मेरे 22 किल्स के साथ चिकन डिनर होता है विथ रैंडम। तो गाइस ये वाला गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएगा, और भाई मेरे रिसेंट्स की गेम प्ले जरूर से चेक करिएगा। बोनस चैलेंज पे गेम प्ले थे और भाई कुछ हैकर भी मिले थे तो उनसे भी फाइट थे। तो गाइस भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।